अब 10 सेकंड की दूरी पर हैं 10 9 अब आप फेस राउंड में देखेंगे 7, दो आरसीएस रॉकेट इग्नाइट होंगे 5 4 3 2 1 0 प्लस 1 प्रथम चरण और चार स्टेप ऑन रॉकेट प्रज्वलित हो गए हैं और रॉकेट अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ने लगा है। आसमान एकदम पूरा नीला है और आप बिल्कुल तरह देख सकते हैं बहुत दूर तक रॉकेट की उड़ान को। वी हैव अ परफेक्ट लिफ्ट ऑफ द पीएसएलवी विजिबल इन द क्लियर स्काइज थ्रस्टिंग एट इट्स फुल पावर असिस्टेड परफॉर्मेंस नॉर्मल बर्निंग इनिशिएटिंग एंड लिफ्टिंग अवे फ्रॉम द लॉन्च पैड टुवर्ड्स इट्स टारगेट। इस समय करीब 35 सेकंड हो गए हैं। जो हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा वो करीब 70 सेकंड के बाद में उस समय इसके जो दो स्ट्रैप ऑन रॉकेट्स हैं उनको अलग कर लिया जाएगा। द स्ट्रैप ऑन्स विल बी सेपरेटेड इन अबाउट 20 सेकंड्स नाउ दे आर गोइंग टू बर्न आउट एंड दे हैव प्रोवाइडेड परफॉर्मेंस नॉर्मल फॉर 55 सेकंड्स एंड ईच ऑफ देम हैव गिवन अ थ्रस्ट ऑफ अबाउट 700 किलोन्यूटन्स ईच। पीएस वन इज नाउ बर्निंग and we are very close to the separation of the four strap-ons. You can see in the clear sky the PSLV just rolling away. Strap-on separate skies. Abhi announcement kiya gaya hai, strap-on separate ho gaye hain. Aapne dekha hoga ki jab rocket uda tha wo seedha upar ja raha tha, ab aap dekh rahe hain usko horizontal hua. Iska matlab iska jo pitch down mechanism hai, jo pitch down command hai wo rocket ko di ja rahi hai taki rocket prithvi ki golakar kaksha mein pahunch sake. First stage performance normal. कि अब आप देख रहे हैं उसका जो झुकाव कुछ आपको हॉरिजॉन्टल या नीचे की तरफ दिख रहा होगा। द फर्स्ट स्टेज परफॉर्मिंग एंड इट्स कमिंग टू क्लोज टू इट्स एंड दिस इज अ मैसिव स्टेज जनरेटिंग ए पीक थ्रस्ट ऑफ 4800 किलोन्यूटन्स एंड वी आर वेरी क्लोज टू फर्स्ट स्टेज सेपरेशन। यू कैन सी द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन। एक्चुअली वी कैन सी सेपरेटेड सेकंड स्टेज इंजन स्टार्टेड। नाउ यू कैन सी द ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टेज द व्हीकल मूविंग एज इंटेंडेड। This is the animation of the second stage burning. इस समय एनिमेशन में हमको दिखा रहे हैं सेकेंड स्टेज इसमें कि 41 टन का US-25 और N24 नोदक भरा हुआ है और इसका प्रज्वलन काल करीब करीब 170 सेकंड का रहता है और इसकी जो नॉजल में आज जो आप देख रहे हैं गैस निकलती हुई इसी नॉजल जिम्बल से इसकी पिच को कंट्रोल किया जाता है। पिच और या दोनों सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं और रोल कंट्रोल करने के लिए इसमें हार्ड गैस मोटर इंजन लगा रहता है उसके द्वारा हम इस रॉकेट के रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें रॉकेट अपने मार की ओर बढ़ता जा रहा है और जैसा कि हम अपने फ्लाइट पैरामीटर्स में हीट शील्ड इज नाउ सेपरेटेड एंड यू कैन सी द व्हीकल मूविंग विदाउट द हीट शील्ड इन द एनिमेशन ऑन योर स्क्रीन्स।